डियर स्टूडेंट्स वेलकम टू द एच टी वी कम्प्यूटर एजुकेशन स्टूडेंट्स आज की इस वीडियो में हमें एच टी एम एल का चैप्टर नंबर थ्री एच टी एम एल वर्जन एंड एलिमेंट चैप्टर को कंटेन करना है स्टूडेंट्स तो यहाँ देखिए यहाँ हमारे पास चैप्टर नंबर थ्री एच टी एम एल वर्जन को आज देखते हैं एच टी एम एल वर्जन देखिए सबसे पहले बात करते हैं एच को डेवलप किसने किया ठीक है तो एच को डेवलप किया बनाया टीम बर्नर्स ली ने किसने बनाया टीम बर्नर्स ली ने बनाया एच को ठीक है तो यहाँ पे कुछ वर्जनस हैं एच के और कब बनाया वो लिखा हुआ है ठीक है कई सारे वर्जनस ये बने हुए हैं देखो सबसे पहला वर्जन एच का आया था 1991 में फिर एच टी आया 1995 में फिर एच टी एम एल थ्री पॉइंट टू आया नाइनटीन सेवन में अब बात यह है इसमें कि जो इनके ये तीन वर्ज़न है ना नीचे वाले एच टी एम एल फोर पॉइंट ज़ीरो वन एक्स एच टी एम एल और एच टी एम एल फ़ाइव ये तीनों वर्ज़न बहुत ही ज़्यादा मोस्ट पॉपुलर हुए हैं जब इन्होंने इन तीनों एच टी एम एल के वर्ज़न्स को रिलीज़ किया था तो हम लोग इस क्लास में इस कोर्स के अंदर एच टी एम एल फोर एक्स एच टी एम एल और एच टी एम एल फाइव को ही पढ़ने वाले हैं ठीक है तो सबसे पहले हम शुरू करेंगे एच टी एम एल फोर पॉइंट जीरो वन को ओके ये कब बना था नाइनटीन नाइनटी नाइन में आपका एच टी एम एल फोर पॉइंट जीरो वन बना था अब जब आप जानते हैं कि एलिमेंट क्या होता है अभी आपने वर्जन्स को तो जान लिया ठीक है अब जानते हैं एलिमेंट अब देखिए एक एलिमेंट के अंदर स्टार्टिंग टैग कंटेंट और क्लोजिंग टैग ये तीनों होना जरूरी है अगर ये तीनों चीज़ें आपके पास हैं आपके कोड में ये हैं तो आप इन्हें क्या बोलोगे एलिमेंट जैसे कि यहाँ देखिए यहाँ पे क्या है एक बॉडी टैग है जिसे हम क्या बोलते हैं स्टार्टिंग टैग है ये एक फिर उसके बाद मैंने इस बॉडी टैग के अंदर एक कुछ कंटेंट को राइट किया क्या कंटेंट है माई नेम इज़ अमित कुमार दिस इज़ अ कंटेंट ओके okay. अब क्या है अगला यहाँ पे बॉडी टैग क्लोज किया हुआ मतलब आपका स्टार्टिंग टैग भी है कंटेंट भी है और जो टैग को स्टार्ट किया है उसे क्लोज़ भी कर रखा है तो ये पूरा आपका क्या होगा एक एलिमेंट होगा जहाँ पे ये तीनों चीज़ हो तो आप इसे क्या बोलोगे दिस इज़ अ एलिमेंट ठीक है अब आपसे पूछे कोई कि ये कौन सा एलिमेंट है तो देखिए जिस नाम से यहाँ पे आपका टैग होगा आप बताएंगे जैसे यहाँ पे अभी क्या लिखा है बॉडी लिखा है तो आप क्या बताएंगे यह क्या है यह एक बॉडी एलिमेंट है ठीक है अगर मैं यहाँ लिख देता बॉडी की जगह एच तो आप इसे क्या बताते कि यह क्या है एच का एलिमेंट है ठीक है तो आई थिंक आप समझ गए होंगे एच एलिमेंट्स और एच टी के बारे में तो चलिए शुरू करते हैं हम अपने प्रैक्टिकल सेशन को तो प्रैक्टिकल सेशन को शुरू करने से पहले मैं आपको याद दिला दूं कि लास्ट क्लास में हमने क्या क्या सीखा था ज़रा आप बताएंगे मेरे को हमने सीखा था कि ये क्या छोटा वाला जो पेज है इसे क्या बोलते हैं टाइटल बोलते हैं इसे क्या बोलते हैं बॉडी बॉडी बोला जाता है इसको ठीक है तो हम जो कोड हमने लास्ट क्लास में किया था उसी में उसी को हम आगे करने वाले हैं तो याद होगा आपको लास्ट क्लास में हमने एच को कोडिंग करने के लिए हमने नोट पैड एडिटर का यूज़ किया था बाकी आप किसी भी एडिटर का यूज़ कर सकते हो बाकी अभी आप बिगिनर हो इसीलिए हम लोग अभी आपको नोट पैड पर काम करवा रहे हैं देन इसके बाद जैसे जैसे आपका स्टैंडर्ड बढ़ता जाएगा जैसे जैसे आप सीखते जाओगे देन उसके बाद हम आपको एक नए नए सॉफ्टवेयर्स बताते जाएंगे फिर हम उसमें भी कोडिंग किया करेंगे ठीक है तो चलिए मैं ओपन कर लेता हूँ यहाँ सर्च कर लेता हूँ नोट पैड को आप भी सर्च कर लीजिएगा नोट पैड मैं ओपन कर लेता हूँ नोट को अच्छा अब मुझे ये बताइए अभी हम किस वर्जन में कोडिंग करने वाले हैं तो अभी हम एच 4.01 में कोडिंग करने वाले हैं और इसे दूसरी लैंग्वेज में एच 4 भी कहा जाता है ठीक है तो अभी हमने लास्ट क्लास में ये भी सीखा था जो टैग होते हैं उसे ओपन करना और क्लोज़ करना ज़रूरी होता है जैसे कि जो टैग आपने ओपन किया है उसे क्लोज़ करना कंपलसरी है और आपको एक चीज़ और आपने सीखी थी जब भी हम कोई कंटेंट लिखना चाहते हैं वेब पेज पे, तो वह कंटेंट आपके किसी न किसी टैग से घिरा होना चाहिए तो चलिए देखते हैं तो अभी आपको मैं एक बात और बता दूं कभी भी हम जब एच की कोडिंग शुरू करते हैं तो किस में करते हैं एच टैग्स के अंदर तो यहाँ पे मैं क्या करने वाला हूँ एच टी एम एल टैग को शुरू करता हूँ ठीक है एच टी एम एल टैग मैंने यहाँ पे शुरू कर दिया फिर इसके बाद मैं क्या करूँगा एच टी एम एल टैग को क्लोज़ कर दूँगा कुछ इस तरह से ठीक है अब अगर आप इसके बाहर कोई दूसरा टैग जैसे आपने यहाँ पे बॉडी टैग ओपन कर दिया तो इसका कोई मतलब नहीं रह जाएगा ये आपका इनवैलिड माना जाएगा ठीक है तो अब आप जो भी कोडिंग करोगे वो कहाँ करोगे एच टी एम एल टैग के अंदर ही आप उसकी कोडिंग किया करोगे ठीक है तो अब हमें सबसे पहले इसमें क्या बनाना है कौन सा पेज बनाना है ये टाइटल वाला पेज बनाना है अब जरा एक बात और ध्यान से आप सुनिए आपको पता होगा एच से हम क्या कहते हैं वेब पेज बनाते हैं और उस पेज पे लिखने का काम करते हैं ठीक है लिखने के साथ साथ मैंने आपको लास्ट क्लास में ये भी बात बताई थी कि लिखने के साथ साथ एच जगह भी डिसाइड करता है कि आपने जो कंटेंट लिखा है वो कहाँ पे दिखे जैसे कि मैं इसे आपको प्रूफ करके दिखाता हूँ अब देखिए यहाँ पे दो विंडो है एक विंडो ये न्यू टैब वाली है जहाँ पे न्यू टैब लिखा है और एक विंडो ये है जहाँ पे गूगल डॉट कॉम लिखा हुआ है ठीक है मैं अभी चाहता हूँ कि जो ये टाइटल वाला टैग है यहाँ पे एस या एस कंप्यूटर लिखना मैं यहाँ पर चाहता हूँ तो अगर आप यहाँ पे एस टी पी कंप्यूटर लिखना चाहते हैं तो आप यहाँ पे कौन सा टैग स्टार्ट करेंगे टाइटल टैग कुछ इस तरह से ठीक है और फिर टाइटल टैग को आप क्लोज कर देंगे ठीक है टी आई अच्छा स्पेलिंग गलत टी आई टी एल ई ठीक है टाइटल अब जैसे मैं इसमें लिखता हूँ अमित कुमार ठीक है अगर मैं अभी इसको सेव करके रन करूँ तो आपको क्या दिखाई देगा ये अमित कुमार कहाँ लिखा हुआ दिखाई देगा इस बड़े वाले वेब पेज पे दिखाई देगा या तो दिखाई देगा ठीक है तो ये आपका एक तरीके से प्रूफ होता है कि अगर आप जिस कंटेंट को जहां दिखाना चाहो वहां दिखा सकते हो टैक्स की मदद से ठीक है अब इसके आगे की जो हम कोडिंग करते हैं टाइटल टैग यहाँ पे हो गया अब आपको मैं एक बात और भी बता दूं कि टाइटल टैग को एकदम शुरू में क्यों इस्तेमाल किया, इस किया जाता है स्टार्टिंग में क्यों इस्तेमाल किया जाता है क्योंकि देखो यहाँ पे जो पेज है वो भी तो स्टार्टिंग में ही है जैसा यहाँ पे सीक्वेंस ऑर्डर चलेगा वैसा ही यहाँ आपके कोडिंग पे भी सीक्वेंस ऑर्डर चलेगा ठीक है तो अब हमने टाइटल वाला पेज बना लिया अब मैं क्या चाहता हूँ यहाँ पे बॉडी बनाऊँ तो मैं यहाँ क्या टैग शुरू करूँगा बॉडी टैग को शुरू करूँगा और यहाँ नीचे बॉडी टैग को क्लोज कर दूंगा ठीक है अब मैं जैसे लिखता हूं यहां पे माय नेम इज अमित कुमार ठीक है टाइप कर दिया अब मैं इसको करने वाला हूं सेव ठीक है जैसे ही इसे सेव करेंगे तो देखते हैं क्या रिजल्ट आता है फाइल ऑप्शन में जाएंगे सेव एज ऑप्शन को चूज करेंगे और डेस्कटॉप लोकेशन चूज़ करेंगे तो करेंगे डेस्कटॉप लोकेशन और यहाँ पे किसी भी नाम से जैसे मैं अमित के नाम से यहाँ पे दे देता हूँ और फिर क्या करेंगे इसे एच टी वेब पेज बनाने के लिए जो भी आप नाम डालते हो उसके ठीक लास्ट में डॉट एच टी एम एल एक्सटेंशन का यूज़ करोगे ठीक है और फिर सेव बटन पे क्लिक करके सेव कर दोगे अब चलिए जरा इसे मिनिमाइज़ कर लेता हूँ मैं यहाँ से और देखो मेरे डेस्कटॉप पे अमित नाम की फाइल आ गई मैं इसे डबल क्लिक करके ओपन करता हूँ तो देखिए क्या ओपन हुआ यहाँ टाइटल में देखिए आ गया अमित कुमार लिखा हुआ और देखो बड़े वाले विंडो में लिखा हुआ आ गया माई नेम इज़ अमित कुमार आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा ठीक है अब जरा देखिए यहाँ पे जो है हमने एच का पूरा डॉक्यूमेंटेशन राइट किया है ये अभी अधूरी है कंप्लीट नहीं है जैसे कहते हैं ना बेसिक आपको एच मतलब जैसे कि आपको एच सीखने के लिए एक पेज बनाने के लिए कितने टैग्स की आवश्यकता पड़ती है तो मैं आपको कहूँगा ये जो भी अभी हमने टैग यहाँ पे लगाए हैं ये अभी पूरे नहीं है ये समझो 80% परसेंट टैग हैं इसमें 20% परसेंट और भी हमें टैग लगाना है तो ये हमारी एच की कम्प्लीट डॉक्यूमेंटेशन कम्प्लीट हो जाएगी ठीक है तो कैसे होगा जो ध्यान से देखिए कभी भी जब भी हम यहाँ टाइटल टैग लगाएँगे तो टाइटल टैग को आप हेड टैग के अंदर बंद करके रखोगे ठीक है ऐसा मैं क्यों कह रहा हूँ इसे हम आगे सीखने वाले हैं कि हेड टैग का क्या यूज़ होता है और हेड टैग को क्यों लगाया जाता है बाकी मैं देखो आपको यहाँ लगा के दिखाता हूँ ये रहे हैं ये जो टाइटल टैग है ये पूरे टाइटल को आप किससे क्लोज करके रखोगे हमेशा हेड टैग से ठीक है कुछ इस तरह से देखो आया समझ में अब आप कह सकते हो ये क्या है आपके एच का पूरा बेसिक स्ट्रक्चर है मतलब आपको एच की कोडिंग करने के लिए कम से कम इतने टैग्स यहाँ पे आपको लिखने पड़ेंगे दिस इज़ अ बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ एच ठीक है तो आपको क्या करना है इस स्ट्रक्चर को बार बार राइट करना है ठीक है जब जरा मैं इसे वापस सेव करता हूँ मैं कंट्रोल एस बटन दबाता हूँ सेव हो गया अब है मैं इसे रिलोड करके देखता हूँ मैंने यहाँ हेड टैग लगाया तो क्या चेंजेस आएंगे यहाँ पे जो जो देखते हैं रिलोड किया मैंने कुछ चेंजेस आए कोई भी चेंज नहीं आए ठीक है तो जो हेड टैग क्या करता है वो कोई चेंजेस नहीं लाता है लेकिन ये बहुत बड़ा काम करता है जिसे हम आगे सीखने वाले हैं अभी आप यहाँ पे एक रूल समझ के इसको अप्लाई करिएगा हमेशा आपने अभी फ़िलहाल जब तक आप एच सीख रहे हो जब हम सी पढ़ेंगे आगे चैप्टर्स में तब वहाँ पे आपको सही मतलब पता चल पाएगा कि हेड टैग का असल में यूज़ होता क्या है क्योंकि जब तक हम एच को दूसरे लैंग्वेज से जोड़ेंगे नहीं लिंक नहीं करेंगे तब तक आपको हेड टैग का यूज़ नहीं पता चलेगा तो अभी आप फ़िलहाल क्या करोगे हेड टैग को एज अ रूल्स मान के हमेशा हेड टाइटल टैग को हेड टैग के अंदर बंद करके रखोगे ठीक है आई थिंक समझ में आ गया होगा आपको ये एच किस तरह से लिखा जाता है तो चलिए अब हम क्या करते हैं हम कुछ और नए टैक्स के बारे में सीखते हैं ठीक है अच्छा मैं आपको एक बात और भी बता दूं जैसे अगर आप इसे एडिट करना चाहते हो तो कैसे एडिट करते हैं इसे राइट right क्लिक करते हैं ओपन विद ऑप्शन से जाते हैं और यहाँ पे देखो नॉट का आपको ऑप्शन मिल रहा है आप इस पर क्लिक करके ओपन कर लोगे लेकिन अगर आपको यहाँ पर नोट का ऑप्शन नहीं शो हो रहा है तो आप कैसे ओपन करोगे इस फाइल को आप सबसे पहले क्या करना अपने नोट को ओपन कर लेना जैसे मेरा नोट पैड कहाँ है यहाँ नीचे होगा इसमें तो विंडोज़ टेन में विंडोज़ एक्सेसरीज़ के अंदर भी होता है देखो ये इधर ठीक है सबसे पहले क्या कर लेना आप अपना नोट कुछ इस तरह से ओपन कर लेना फिर इस फाइल को पकड़ के ऐसे ड्रैग करके इसमें छोड़ देना तो भी आपका जो कोड होएगा वो एडिट हो जाएगा ठीक है अब मैं क्या करता हूँ आप कुछ और नए टैक्स सिखाता हूँ फिलहाल मैं इसको अभी डिलीट कर देता हूँ यहाँ से इस वाली फ़ाइल को और फिर से हम क्या करने वाले हैं वापस से हम इस डॉक्यूमेंट को लिखेंगे बेसिक स्ट्रक्चर को लिखेंगे एच के ताकि आपकी कमांड उस पर हो सके आपको बार बार लिखना पड़ेगा एच क्योंकि जब तक आप बार बार लिखोगे नहीं तब तक आपको वो चीज़ें याद नहीं होंगी ठीक है क्योंकि अभी तो आप बिगिनर्स हो जब आप एक्सट्रीम लेवल पे पहुंच जाओगे तब आपको ये सारी चीज़ें एकदम मुँह जबानी याद हो जाएंगी ठीक है तो चलिए वापस से स्टार्ट करते हैं एक बार इस बार अब आप बताइए सबसे पहले हमें एच की कोडिंग शुरू करने के लिए क्या करना होता है तो बच्चे आप ठीक कह रहे हो सबसे पहले क्या करना होता है एच का टैग स्टार्ट करना होता है और फिर जो टैग हमने शुरू किया उसे क्लोज़ करना होता है तो मैंने यहाँ पे टैग क्लोज़ कर दिया अब क्या करना होता है यहाँ पे हमें सबसे पहले छोटा वाला पेज बनाना था ऊपर जो टाइटल वाला था तो हम यहाँ क्या करते थे टाइटल टैग लगाते तो मैं यहाँ टाइटल टैग लगा देता हूँ कुछ इस तरह से ओपन किया और फिर टाइटल टैग को मैंने यहाँ पे क्लोज कर लिया ठीक है अब मैं टाइटल में क्या देना चाहता हूँ जैसे मैं यहाँ दे देता हूँ कंप्यूटर ठीक है उसके बाद हम क्या करते थे बॉडी टैग को ओपन करते थे बॉडी टैग को क्यों ओपन किया जाता है वेब पेज बनाने के लिए जो बड़ा वाला पेज है उसे बनाने के लिए और इस बॉडी टैग को भी यहाँ पे मैंने क्लोज कर दिया ठीक है अब इस बॉडी में मैं जो भी लिखना चाहूँ वो लिख सकता हूँ जैसे मैं क्या लिखना चाहता हूँ कंटेंट वेलकम टू माय वेबसाइट ठीक है मैं ये टाइप कर दिया अब आई थिंक आपको क्या लगता है ये पूरा स्ट्रक्चर कंप्लीट हो गया है नहीं हुआ है अभी तो इसे हम कंप्लीट करेंगे कैसे क्या कौन सा टैग अभी इसमें छूटा हुआ है हेड टैग याद होगा मैंने अभी आपको बताया था टाइटल टैग को हमेशा हेड टैग के अंदर रखना है तो चलिए हम यहाँ पे रख लेते हैं हेड टैग मैंने यहाँ शुरू किया और यहाँ हेड टैग को मैंने क्लोज कर दिया ठीक है अब मैं इसे क्या करूँगा फ़ाइल ऑप्शनस में जाऊँगा सेव एज ऑप्शन को चूज़ करूँगा और डेस्कटॉप लोकेशन पर इसको मैं कंप्यूटर के नाम से सेव कर देता हूँ कंप्यूटर डॉट एच टी एम एल के नाम से मैंने यहाँ सेव कर दिया डॉट html एल लगा लिया और सेव पे क्लिक कर दिया देखो यहाँ पे आ गई फ़ाइल ठीक है इसे ओपन करते हैं डबल क्लिक किया मैंने तो ये देखो ओपन हो गया आपका फ़ाइल और जो चीज़ मैंने जहाँ लिखी थी वो चीज़ देखो वहाँ हो गई है चलिए अब जरा इसको सीखते हैं जो ये आपका वेलकम टू माई वेबसाइट आ रहा है मैं चाहता हूँ कि ये जो वेबसाइट लिखा हुआ आ रहा है ना ये सेंटर में आए बीचो बीच यहाँ पर आए तो वो कैसे आएगा जरा ध्यान से देखो अभी हमने बातचीत करी थी कि एक जो एलिमेंट होता है उसमें क्या क्या होना कंपलसरी है स्टार्टिंग टैग कंटेंट और क्लोजिंग टैग अगर मैं आपसे पूछूं तो बताइए ये कौन सा एलिमेंट है तो आप क्या बताओगे दिस इज़ अ टाइटल एलिमेंट और अगर मैं इसकी बात करूं बॉडी वाले की तो आप इसे क्या बताओगे दिस इज़ अ बॉडी एलिमेंट ठीक है और एक चीज़ मैं आपको और बता दूं एलिमेंट के तरफ से कि आप किसी भी एक टैग के अंदर कई सारे टैग को लिख सकते हो जैसा कि देखो यहाँ पे एच का टैग है शुरू हुआ यहाँ और यहाँ बंद हुआ लेकिन इस टैग के अंदर देखो कितने सारे टैग ओपन हो गए एक तो हेड टैग ओपन हुआ टाइटल ओपन हुआ और बॉडी मतलब आप किसी भी टैग के अंदर टैग को ओपन कर सकते हो क्लोज कर सकते हो ठीक है अब जैसे क्या करना है मेरे को इस वेलकम टू वेबसाइट जो लिखा हुआ है इसको मेरे को सेंटर में दिखाना है तो मैं क्या करूँगा जो वेलकम टू माई वेबसाइट है इसको सेंटर टैग से लॉक कर दूंगा। देखो यहाँ पे सेंटर टैग को मैंने ओपन किया और यहाँ पे सेंटर टैग को मैंने क्लोज कर दिया अब मैं क्या करूँगा इसे एस दबा के इस कोडिंग को सेव कर लूँगा देखो जब जब आप अपने कोड में कुछ एडिटिंग करोगे तब तब आपको एस दबा के सेव करना होगा और फिर जब फाइल आपने खोली होगी उसे यहाँ से रिफ्रेश करना होगा देखो मैं रिफ़्रेश करता हूँ ये देखो रिफ्रेश किया मैंने देखो आपका कंटेंट कहाँ आ गया सेंटर में आ गया वेलकम टू माय वेबसाइट लिखा हुआ ठीक है अब आई थिंक आप थोड़ा कंफ्यूज हो रहे होगे कि मैं एंटर एंटर करके लिख रहा हूँ जरूरी नहीं है कि जो आपका कंटेंट हो वो कुछ इसी तरह से लिखा जाए एंटर करके या सेंटर ऊपर रहेगा या नीचे रहेगा आप इसे एक लाइन में भी लिख सकते हो देखो कुछ इस तरह से ठीक है बस ये होना चाहिए कि जो आपका कंटेंट है वो इन टैग्स के माध्यम से घेरा होना चाहिए क्योंकि जब भी आपने पढ़ाई था एस टी एम मार्कअप लैंग्वेज और मार्कअप का तो मतलब ही होता है घेरा लगाना तो टैग का तो काम ही है कि घेर के कंटेंट को डिस्प्ले करना और टैग का ये कोई क्या काम है टैग का ये भी काम है कि आप अपने कंटेंट को कहाँ दिखाना चाहते हो मतलब प्लेस डिफाइन करता है आपका टैग ठीक है अब जरा एक और मैं आपको टैग से इं इंट्रोड्यूस करवाता हूँ जैसे कि मैं चाहता हूँ कि जो ये वेलकम टू वेबसाइट लिखा हुआ आ रहा है ये थोड़ा मोटा दिखाई दे ये देख रहे हैं जब मैं इसे ना आपके लिए जूम कर देता हूँ कि आपको दिख नहीं रहा होगा मैं जूम कर देता हूँ यहाँ पे और जूम कर देता हूँ आई थिंक आपको दिख रहा होगा ठीक है दिख रहा है अब बिल्कुल दिख रहा होगा ठीक है अब मैं चाहता हूँ जो वेलकम टू वेबसाइट लिखा हुआ है ये बोल्ट हो जाए मोटा हो जाए थोड़ा थिकनेस में दिखे तो हम क्या करेंगे किसी भी कंटेंट को बोल्ट दिखाने के लिए हम कौन सा टैग यूज़ करते हैं बी टैग बी तो कुछ इस तरह से बी टैग को हम ओपन करेंगे और अपने कंटेंट के बाद इस बी टैग को इस तरह से क्लोज कर लेंगे बस फिर कंट्रोल एस का सेव बटन दबाएंगे और यहाँ से रिफ्रेश करेंगे तो देखो आपका वेलकम टू माई वेबसाइट क्या हो गया बोल्ट हो गया ठीक है अभी तो देखो यहाँ पे हमने सभी कंटेंट को यहाँ से लेकर यहाँ तक पूरे कंटेंट को मैंने बी टैक से लॉक कर दिया तो क्या हुआ ये पूरा बोल्ट हो गया मैं चाहता हूँ कि माई बस बोल्ट हो और सब वैसा का वैसा रहे तो क्या करोगे आप इस बी टैक को मैं यहाँ से जरा हटा देता हूँ ठीक है और ठीक माई से पहले बी टैक को शुरू करूँगा और ठीक माई के बाद बी टैक को ऐसे क्लोज़ कर दूँगा और फिर कंट्रोल एस का बटन दबा के सेव करूँगा और यहाँ पे आके रिफ्रेश करूँगा तो देखो माई जो है सिर्फ यही बोल्ट है और कोई भी कंटेंट बोल्ट नहीं है अब जैसे मैं चाहता हूँ वेलकम का सिर्फ कम बोल्ट हो तो क्या करेंगे ठीक सी से पहले बी टैग शुरू करेंगे और ठीक बी के बाद ये सॉरी एम कम के बाद बी टैग को क्लोज करेंगे बी मतलब बोल्ट टैग अब इसे मैं सेव करता हूँ कंट्रोल एस से और यहाँ पे आके रिफ्रेश करता हूँ तो देखिए कम भी आपका क्या हो गया बोल्ट हो गया है ठीक है आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा इस वीडियो से कि एच के जो टैग्स हैं किस तरह से मदद करते हैं कंटेंट को लिखने में कंटेंट को दिखाने में ठीक है आई थिंक आपको अच्छे से समझ में आया होगा अगर आपको इनमें कोई सी भी प्रॉब्लम है कोई भी डाउट है तो आप हमें जरूर कांटेक्ट करिएगा अगर डाउट आपका क्लियर है तो बहुत ही अच्छी बात है बाकी हमारी जो वीडियोज़ है बहुत ही ईजी वे में होती हैं हिंदी लैंग्वेज में होती हैं ओके और आपको बहुत ही ज़्यादा प्रैक्टिस करनी होगी इसकी तभी आपको ये सारे के सारे टैग्स याद रहेंगे ठीक है आपको क्या करना है कुछ ना कुछ इस तरह से बनाना है आपको ऐसे करते रहना है जब भी आपको ये सब याद होगा बाकी हम एक या दो वीडियो के बाद से आपको टास्क देना शुरू कर देंगे क्योंकि अभी हम आपको इसलिए टास्क नहीं दे रहे हैं क्योंकि अभी आपने ज़्यादा कुछ सीखा नहीं है जैसे ही दो या चार वीडियो ख़त्म होती है वैसे ही हम आपको इसमें टास्क देना शुरू करेंगे देन आप उस टास्क को कंप्लीट करके हमें मेल पे आप सेंड करोगे ठीक है ओके गुड बाय थैंक्स फॉर वॉचिंग आवर वीडियो हैव अ नाइस स्टे